हेलो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले सीटेट का फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथ क्लास होगा वो बायलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश में और हिंदी दोनों रहेगा। और बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही बेसिक, यानी इतना बेसिक जो अगर आप मैथ छोड़ भी दिए होंगे पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ना आप छोड़ भी दिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से मैथ आ जाएगा। देखते हैं, आज पहला क्लास है तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। आज नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम। अब ये व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम मतलब मेन बात ये हो गया कि जो नंबर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर क्या सब आता है। तो जितना भी नंबर होता है, हम और बात करें नंबर सिस्टम के अंदर, रियल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं और वास्तविक बोल सकते हैं। इन्हीं जो रियल नहीं है। तो अब हम देखते, जितना भी नंबर हम पढ़ते आए क्लास, क्लास मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 तक जो हम पढ़ते हैं, 10 तक सिर्फ हम पढ़ते क्या पढ़ते हैं, ओनली रियल नंबर पढ़ते हैं। 10 तक रियल नंबर पढ़ते हैं, लेकिन 11th में जाकर हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर। और सीटेट में इससे सवाल नहीं आता, सीटेट में जो है इमेजिनरी नंबर से सवाल बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। ऐसे तो ध्यान दे, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जेड बराबर क्या होता है, ए प्लस आई बी। तो ए जो है, ए मेरा रियल पार्ट हो गया और आई भी, जिसमें आई लगा हुआ है वो मेरा क्या हो गया, मतलब मान लो इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी ये वास्तविक पार्ट हो गया। और ये क्या हुआ, अवभाषी बोल दीजिए, अवास्तविक बोल दीजिए, अवभाषी संख्या बोल दीजिए इसका, अवास्तविक या अवभाषी, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ ओनली रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है। तो अभी तक में हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम के अंदर दो नंबर आता है, एक को बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं और एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जितना रियल नंबर की ब्रांच, ये जो मेन ब्रांच हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं, वो किसका ब्रांच होता है, रियल नंबर ब्रांच होता है। और यही जो है सीटेट में आने वाला है, यही आने वाला है। देखते हैं, अगर हम बात कर रियल नंबर का, रियल नंबर यानी जो नंबर हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़े हैं बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, डेसिमल, ये सारे के सारे किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। रेशनल नंबर बोलते हैं और इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर, फिर उसके बाद हम आएंगे। तो रेशनल नंबर से पहले हम मेन बात इसे छोड़ते हैं, इसे छोड़ते हैं, पहले जो मेन मेन बात, जो बेसिक बात वो करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर, तो नंबर में तो हमको मालूम है किसी नंबर को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किसी नंबर के 1 चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो भी नंबर का फॉर्मेशन होता है वो सब इसी नंबर, इसी नंबर की हेल्प से उसका फॉर्मेशन होता है। तो
तो ये तुम्हारा नंबर हो गया, लेकिन जो है अभी हम पढ़ेंगे वो है क्या, सबसे पहला हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर क्या, व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या है बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब समझते व्हाट इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है, व्हाट इज द नेचुरल नंबर। तो हम तो हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर जो है उसको एल से डिनोट करते हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से करता है, जीरो से लेके वन से, वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। यानी हम कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या। अब ये जो है जब जब मैथमेटिक्स नहीं आया था तब भी लोग काउंट कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है जो पढ़ता है या जो मैथ क्लास करता है या जो स्कूल जाता है सिर्फ वही काउंट कर सकता है, काउंट सब कर सकता है। तो पहले भी लोग काउंट करते थे, वन टू थ्री फोर फाइव, और किसी के पास एक कोई सामान होता, मतलब मान लो किसी के पास एक बकरी होता होगा तो बोलता मेरे पास एक बकरी है, दो बकरी है, तीन बकरी है, तो पहले से ये चलता आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग सभी करते हैं। मैथ जो है, मैथ जो है बहुत लोग ये समझते मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं हार्ड सब्जेक्ट है, ये एक गेम है। यानी ये मैथ जो है मेरे लाइफ से रिलेटेड है। हम लोग जब बचपना में थे, जब हम बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेल जिसको क्रिकेट बोलते हैं, खेलते थे तो रनिंग रन हम बनाते, पाँच रन उसने बनाया, आठ रन उसने बनाया, 20 रन उसने बनाए, ये सब होता रहता था। तो बचपना जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट जब खेलते तो हम लोग काउंटिंग करते थे, उसने मारा 20 रन, उसने मारा 30 रन, कितना ऐड हुआ, कितना रन और चाहिए, टोटल में कितना नंबर रन और चाहिए जीतने के लिए मैच। तो ये मैथ जो है, मैथ जो नेचुरली जो है हमारे अंदर है, नेचुरली है ये जो मैथ। हम कुछ भी सामान कोई भी ले लो, अगर हम देखें एक दुकानदार, एक शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है उसका जो मैथ जो होता है, कभी कभी जो होता है, जो जनरल हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उससे उसका मैथ बहुत अच्छा होता है। अगर उसे निकालना हो, अगर वो मतलब मान लीजिए वो किसी चीज़ की दुकान, मतलब मान लो किसी मतलब मान लो कोई चीज़ बेचता है, तो उसको मालूम होता है इसका 2 किलो दाम कितना होगा, पावर दाम कितना होगा, या 5 किलो 700 ग्राम दाम कितना होगा, वो हमसे ज़्यादा फास्ट में कैलकुलेशन कर लेता है। ऐसा क्यों हो गया जो उसका मैथ जो है हमारे मैथ से ज़्यादा अच्छा है, मैथ से अच्छा, उसको क्लास वो नहीं किया लेकिन जोड़ने में वो हम लोग से ज़्यादा स्पीड जोड़ लेता, जो स्टूडेंट से। ऐसा इसलिए होता है, प्रैक्टिस है, उसको प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया, वो जोड़ने लायक हो गया, वो जोड़ने लायक इतना हो गया कि उसे सिर्फ बोल दीजिए भाई साहब आपका सामान जो है, चावल जो है वो 5 किलो आपने बेच दिया, तुरंत बता देगा आपने 17.5 किलो चावल बेचा, कितना रुपया, वो तुरंत बता देगा, क्योंकि वो डेली लाइफ में रोज करता है। तो मैथ जो है, मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, फुल्ली प्रैक्टिस पे, मैथ जो है फुल्ली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उम्मीद है मैथ आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने पहले नेचुरल नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी हम बोल सकते थे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या मेरा होता है, वन होता है, क्या होता है, वन। वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, वन, क्या है, वन है। अगर हमसे पूछा जाए
कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो वी कैन नॉट फाइंड, तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर काउंटिंग नंबर का एंड नहीं है, 3, 4, 5 ही चल रहा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसका कोई एंड नहीं, इसीलिए हम इसे सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। अब यह हो गया, अब हम पढ़ते होल नंबर। अब होल नंबर क्या भाई साहब, होल नंबर क्या है, जीरो के सर्च होने से पहले तक लोग है 1, 2, 3, 4, 5 वो काउंट करते थे और उसे जो है उसने जो है उसे उसको ये मालूम होगा, जीरो उसको मालूम होगा लेकिन जीरो कैसे फॉर्मेशन करे वो उसको मालूम नहीं हुआ। सपोज करिए अगर किसी के पास, अगर किसी के पास घर में मतलब मान लो 1 कैट होगा, 1 कैट होगा, अगर वो मर गया होगा तो लोग पड़ोसी से पूछता तुम्हारा कि तुम्हारे पास कितना कैट है, तो बोलता मेरे पास कैट कुछ नहीं है, 1 भी नहीं है, तो कुछ नहीं है क्या हो, जीरो हो गया, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, यानी कोई भी नंबर क्या हो जीरो से स्टार्ट हो, यानी हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या के परिवार में जब जीरो को शामिल किया गया तो क्या बन गया, मेरा होल नंबर बन गया। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट मेरा हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक चल गया ये इसने, इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है कहाँ तक चल गए, इनफाइनाइट तक। तो हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता, जीरो, क्या है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और हमसे बात करें उसने ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो वी कैन नॉट फाइंड ग्रेटेस्ट होल नंबर, होल नंबर क्या है, वी कैन नॉट फाइंड, वी कांट फाइंड, यानी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नंबर जो बढ़ता चल, यहाँ से आप देखिए यहाँ से अगर जीरो के यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या नेचुरल नंबर बन गया। तो जिस तरह हम नेचुरल नंबर में बोले कि नेचुरल नंबर सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसी तरह सबसे बड़ा होल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। चलो इसे कैसे हम डिनोट करेंगे, सेट फॉर्म में हम कैसे इसे लिखेंगे, सेट फॉर्म में इसे लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये मेरा क्या हो गया, होल नंबर का फॉर्मेशन हो गया। अब होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, थोड़ा लगा इससे लगा हम पढ़ लेते, वो इवन नंबर पढ़ लेते। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर मेनली कुछ भी नहीं होता, ये जो है वैसा नंबर जो क्या 2 के टेबल में आता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो बहुत लोग के यहाँ कन्फ्यूजन है, 0 इज इवन नंबर, हाँ बिल्कुल होता है, 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है। और हमको इवन नंबर के बारे में मालूम है कि इवन नंबर वो नंबर है जो किसी नंबर डिवाइड करने के बाद उसको रिमाइंडर 0 कर दे, मतलब ख़त्म कर दे, रिमाइंडर 0। जैसे हमसे बात करें 4, 5, 4, 6, 8 बाय 2, डिविजिबल बाय 2 करते हैं, तो हमको मालूम है डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे, उसे मालूम होगा, अगर नहीं है तो नहीं पढ़े तो ध्यान यहाँ पर दे दीजिए। तो डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है अगर कोई नंबर जो है उसका 1 प्लेस पे, 1 प्लेस बोल दीजिए, यूनिट प्लेस बोल दीजिए या इकाई का संख्या बोल दीजिए, अगर कोई नंबर की इकाई का संख्या किससे स्टार्ट होगा, तो होता होगा 0 से होता होगा, 2 से होता होगा, 4 से होता होगा, 6 से होता होगा, 8 से होता होगा, तो हम कह सकते हैं ये एक इवेन नंबर है। क्या है कि इवेन नंबर है, यानी कोई सा नंबर उतना हमको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, अगर डिवाइड हम करेंगे तब भी वही होने वाला, हम डिवाइड कर दिखाते हैं आपको। 2 से करना है 5, 4, 6, 8, 2, 2 जा 4, 1, 2, 2 7 जा 14 ख़त्म, बच गया 6, 2, 3 जा 6 ये भी ख़त्म, 8, 2, 4 जा 8 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया।
रिमाइंडर जीरो आने मतलब ये होगा ये दो से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है मतलब क्या, ये एक इवन नंबर है, क्या है कि सम संख्या है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, सम संख्या, सम संख्या, यानी वैसा नंबर जो दो से डिविजिबल होता है उसे हम बोलते हैं सम संख्या। दो से डिविजिबल का रूल क्या होता है भाई, रूल ये होता अगर कोई नंबर का वन प्लेस या यूनिट प्लेस या इकाई की संख्या जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, तो हम बोलते हैं ये नंबर जो है दो से डिविजिबल है। चलो और देख लेते हैं हम कुछ, तो इसका जो है इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका जो हो मतलब हम बोल सकते इवेन नंबर इक्वल टू, इवेन नंबर इक्वल टू टू एम, टू एम बोल दीजिए, टू एन बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम मतलब कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, एम एनी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई इंटीजर हो सकता, माइनस फोर भी इवन नंबर है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आप रखते टू इंटू एम के वैल्यू आप जीरो रख दीजिए, जीरो इवन नंबर है, एम के वैल्यू फोर रख दीजिए, एट इवन नंबर है, एम के वैल्यू आप टेन रख दीजिए या नाइन रख दीजिए, क्या है इवन नंबर है। तो यहाँ एम की वैल्यू आप जो भी रखेंगे सब के सब क्या हो जाए हमारा इवन नंबर हुआ, मतलब हम बोल सकते फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू एम, यानी किसी संख्याओं को दो से इंटू करने पर वो इवन नंबर बन जाता है। तो देखते हैं अब जैसे 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 एक है थ्री है, थ्री एक ऑड नंबर है, इसको टू से इंटू कर दीजिए क्या आ गया सिक्स आ गया, फाइव ऑड नंबर है टू से कर दीजिए टू फाइव ज़ा टेन इवन नंबर है, यही सब एग्जांपल है। और हम देखते हैं अब एक आता सम ऑफ इवेंट नंबर क्या होता है, पहले ऑड नंबर हम पढ़ लेते हैं फिर सम ऑफ इवेंट नंबर एंड ऑड नंबर बात करेंगे हम। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर इसे बोले या ऐसे बोल दीजिए क्या विषम संख्या, विषम संख्या यानी वैसा संख्या जो दो से डिविजिबल नहीं होता, यानी वो वैसा संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे जैसे मेरा वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव, सेवन, नाइन, ये सब सब क्या है ऑड नंबर है, ये सब क्या है ऑड नंबर है, ये सभी नंबर दो से डिविजिबल नहीं है, दो से डिवाइड करने पे क्या होता है इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आने मतलब कि वो डिविजिबल नहीं है। अब हम देखें इसका फॉर्मेशन क्या होता है ऑड नंबर का, टू एम प्लस अब टू इंटू टू लीजिए प्लस वन कर दीजिए, फाइव, टू इंटू थ्री लीजिए प्लस वन कर दीजिए सेवन, ये सब क्या होता है ऑड नंबर होता है। अब कुछ डिस्कशन हम करते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर। अब जैसे हम बात करें सम ऑफ इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करें तब क्या होगा, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, अगर हम इवेन नंबर को इवेन नंबर से ऐड करते तो क्या होता है देखते हैं, देखते हैं टू है, टू प्लस टू करते फोर आ गया, टू प्लस फोर करते सिक्स आ गया, या एट प्लस फोर करते ट्वेल्व आ गया। तो हम ये देख रहे हैं भाई कि इवेन नंबर में जो इवेन नंबर ऐड कर रहे तो हमें मेरे पास क्या मिल रहा है इवेन नंबर मिल रहा है, तो इवेन नंबर प्लस इवेन नंबर क्या होता आंसर मेरा आएगा इवेन नंबर। ठीक है अब देखते इवेन नंबर इनटू इवेन नंबर, पहला हो गया, दूसरा देखते इवेन नंबर इनटू इवेन नंबर, अगर इवेन नंबर को इनटू कर दे इवेन नंबर तब क्या होने वाला है, जैसे मेरा टू एक इवेन नंबर है और फोर एक इवेन नंबर है, टू फोर ज़ा एट, एट भी क्या है इवेन नंबर है, जीरो इवेन नंबर है और टेन इवेन नंबर है, कितना जीरो इवेन नंबर है, 64 इवन नंबर है और 2 इवन नंबर है, क्या होगा 8 128। तो हम ये बात देख लिए कि इवन नंबर को इवन नंबर से इंटू करने के बाद हमें क्या मिल रहा इवन नंबर ही मिल रहा, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा मेरा इवन नंबर। अब देखते इवन नंबर प्लस ऑड नंबर क्या होने वाला है,
इवेन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवेन नंबर प्लस ऑड नंबर। मैथ जो है एक सब्जेक्ट जो फील किया था, फील, इसको आप जितना फील करेंगे हाँ समझ में आया या नहीं आया तो मज़ा ज़्यादा आएगा। और इसे आप समझ सोचिएगा इसे रट लें या याद कर लें, थ्योरम बात बात खत्म है, नहीं, इसे आप अप्लाई करिए। अगर आप कन्फ्यूज़न हो गए तो कोई नंबर ऐसा लीजिए जिस पे आप करके उसे ट्रायल कर लीजिए होता है या नहीं होता। तो हम देखते हैं इवेन नंबर प्लस ऑड नंबर, एक इवेन नंबर लिए हम टू ले लिए, ऑड नंबर थ्री ले लिए। अच्छा क्या आंसर आ गया, पाँच आ गया भाई। अगर हम लेते हैं एक इवेन नंबर एट ले लिए, एक ले लिए फाइव ले लिए, कितना आ गया 13। अच्छा ऑड नंबर आ गया। अगर हम लेते 20 लेते हैं प्लस 3 लेते हैं, 23 क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। अच्छा चक्कर यहाँ अलग है, चक्कर यहाँ ये है भाई साहब, इवेन नंबर प्लस ऑड नंबर हमें क्या मिलने वाला है, ऑड नंबर मिलने वाला है, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा देखते हैं हम ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करें तब क्या होने वाला है। ऐसे एक नंबर ले लिया हम थ्री ले लिए, उसमें एक ऑड नंबर फाइव ऐड करते हैं, क्या मिल रहा एट। थ्री प्लस फाइव एट, आह क्या ये चमत्कार हो गया, दो ऑड नंबर को जोड़े मिल रहा इवेन नंबर, वाह सब बहुत अच्छा मशीन है वाह। अब देखते हैं हम एट, एट मेरा ये सॉरी सेवन ऑड नंबर, फाइव ऑड नंबर, ट्वेल्व, वाह क्या बात है। अगर हम बात करें आगे और बढ़ते हैं, थर्टीन प्लस सेवन बराबर ट्वेंटी, वाह वाह वाह। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसे कुछ कर दो कुछ कर दो, ऑड प्लस ऑड ऑड नहीं होने वाला है। ये किसका साथ देगा, ये इवेन का साथ देगा भाई, देख लो पहचान लो इसको अच्छा से, इसको पहचान लो, मिल रहा है ऑड नंबर, बन क्या रहा भाई साहब इसने इवेन नंबर बन रहा, पहचान लो इसको अच्छा से। तो हम बोल सकते हैं कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर नॉट इवेन नंबर, नॉट ऑड नंबर, भाई हट जा तू तू हट जा। तो क्या है, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर बराबर होगा भाई साहब का इवेन नंबर, वाह क्या बात है। अब आते हैं यहाँ तक की बात, तो हम अभी तक ये पढ़ चुके, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इवेन नंबर पढ़ लिए, ऑड नंबर पढ़ लिए, है ना, नेचुरल, होल, इवेन एंड ऑड, ये इसके बारे में हम पढ़ लिए। अब थोड़ा एक बचा हुआ है इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटीजर के बारे में, बेचारे ये दुखी क्यों रहे, इंटीजर नाम लिख दो इसका अच्छा से लिखो नाम, इंटीजर जिसको बोलते पूर्णांक हिंदी में, पूर्णांक ये कौन है, ये पूर्णांक यानी आई, क्या ये आई, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक। अब ये समझते हैं इंटीजर क्या, सुनने से लग रहा है इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं इंटीजर क्या है, लेकिन हिंदी में कुछ समझ में आ रहा है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक यानी कंप्लीट अंक, ठीक देखते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया भाई साहब इंटीजर में जो है डेसिमल नहीं आने वाला है, डेसिमल पूर्ण अंक नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आ गया इंटीजर में जो है फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, आते हैं देखते हैं। हाँ हम लोग बच्चे से पढ़ते ही आए हैं कि नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर लाइन यानी जब किसी नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं नंबर लाइन। और उसे हमने अच्छा से पढ़ रखा है, जीरो होता है बीच में या कहीं जीरो, यहाँ कोई बीच में नहीं, कोई यहाँ से आप इधर स्टार्ट कर ले, लेकिन एक बात ये ध्यान रखें जीरो से जो है जीरो से हम राइट साइड तरफ दौड़ेंगे तो सारा नंबर किधर आएगा, प्लस में आएगा। जीरो से हम इधर दौड़ना चालू करते हैं क्या आएगा, सब नंबर प्लस में आएगा। तो जीरो से इधर प्लस आएगा और अगर जीरो से इधर दौड़ें इधर ऐसे ऐसे तब क्या मिला आएगा, निगेटिव आएगा।
क्या आने वाला भाई? नेगेटिव, यानी जीरो सीधर प्लस और जीरो सीधर माइनस। इसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, इसको बोलते ऋणात्मक बोलते हैं। तो यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब क्या, जब हम किसी नंबर में क्या, जब किसी यहाँ वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, माइनस वन आ गया, माइनस टू आ गया, माइनस थ्री, कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक, इधर भी चलेगा, इधर भी इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो हम एक बात गौर कर लिए कि ये जो नंबर जो है, ये नंबर यानी जो इंटीजर हुआ जीरो से लेके प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सभी होगा इसके अंदर। हाँ, तो हम एक बात गौर कर लिए, अच्छा, यानी इंटीजर वैसा नंबर जिसको जीरो से लेके प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री का इन्फाइनाइट तक, जीरो से लेके माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इन्फाइनाइट तक इधर। तो एक बात तो बात अच्छा समझ, तो बात जो है समझ में ये आ गई इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में ये बात समझ में आ गई, जीरो से लेके कहाँ तक, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो बात मेन हो गया वन टू थ्री पॉजिटिव में जिधर चल जाए और निगेटिव में इधर आ जाए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वो सब क्या होता है? इंटीजर होता है। अब इंटीजर में तो कुछ टाइप देख लेते हैं। तो इंटीजर की बात करें, इंटीजर पूर्णांक पहला क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। एक जीरो जो है, जीरो बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। यानी क्या, इसको हम बोल सकते हैं मतलब कि ना ये प्लस है ना ये माइनस है, क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है, जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आ जाएगा? वन, टू, थ्री, फोर, इन्फाइनाइट। नेगेटिव में कौन आ जाएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कहाँ तक? इन्फाइनाइट। और जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, जीरो क्या है? न्यूट्रल है। क्या जीरो क्या है? न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तो कल आगे बात करते हैं। क्लास रेगुलर क्लास रहेगा और कल फिर इसका आगे जो हम पढ़ेंगे, ये डेसिमल नंबर क्या होता है, इंटीजर हो गया, हम बात तो कर लिए, कल हम बात करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, फिर हम बात रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। बहुत अच्छा क्लास कल होने वाला है। चलिए, और दूसरी बात ये है, ये तो हो गया क्लास, और आपको जो कुछ कुछ मेन काम करना है, मेन काम ये करना है कि आपको जो है टेबल, जो है टेबल, टेबल जो है 20 तक याद होना चाहिए हर हालत में। चाहते हैं अगर अच्छा नंबर आए तो 20 तक टेबल याद होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, ये टेबल और इसका स्क्वायर, स्क्वायर में वर्ग, वर्ग याद होना चाहिए हमें 20 तक, 20 तक वर्ग, 20 तक स्क्वायर। अगर 30 तक याद है तो और अच्छी बात है। अब क्यूब जो, क्यूब इसको बोलते हैं घन, बोलते हैं घन, क्यूब जो, क्यूब हमें 30 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर कहीं पे चिपका लीजिए अपने घर में, जहाँ आपका नज़र जो बार बार पड़ता है वो चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, आपको है ना बिना याद के याद हो जाएगा, बार बार उस पर नज़र पड़ेगा और ये याद आराम से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।